जल है वो हिमाचल प्रदेश के लिए बहता हुआ सोना है। जहां ये पीने के काम आएगा इसका संरक्षण करना है, उसको ऐसे भी बहने नहीं देना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी इसी जल पर निर्भर है। मैंने पिछले 100 दिन में काफी हमने पढ़ा, कार्य किया, और जो व्यवस्था पिछले कई सालों से चल रही थी उसको हम परिवर्तित करने लगे। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। वो मुख्यमंत्री महोदय से कई विषयों पर चर्चा हुई है और आती बार मैंने इनसे बात की और कहा कि जल शक्ति मंत्रालय में भी बहुत बदलाव की जरूरत है और उन बदलावों के साथ भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। हम अपने हिमाचल के लोगों को, अपने समाज के लोगों को उस टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रख सकते जो भविष्य में हमें चुनौतियां बनकर उसका सामना करना पड़ेगा। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हिमाचल के लोगों को स्वच्छ जल मिले। हमने इस बजट में कहा है कि हम यूवी रेज का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया फ्री हिमाचल के लोगों को जल पूर्ति करवाएंगे। ये क्यों है? 5-6 नदियां बहती है, हर जगह खड्डे हैं, चाहे हम कितना भी पर्कुलेशन बेल से पानी उठा लें, किसी ना किसी रूप में पाइप के माध्यम से बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और एक ICMR के अध्ययन के अनुसार हमारे हिमाचल प्रदेश में कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। साथ लगती नदियों के साथ जो शहर है, खड्डों के साथ जो शहर है, उन शहरों में पानी तो मिल रहा है लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कैंसर के रोगियों की शिकायत आ रही है। इसीलिए हमने एक फैसला किया, मैं और मुख्यमंत्री महोदय रात के 11 बजे बैठे, बजट का प्रावधान किया कि यूवी रेस का हम सब सदुपयोग करेंगे। जब तक नहीं होता, 1-2 साल में पूरे के पूरे पंप स्टेशंस हम बैक्टीरिया फ्री वाटर अपने लोगों को अपनाएंगे, गांव के आम आदमी को अपनाएंगे, पानी स्वच्छ करेंगे। यही नहीं, मैंने कहा जल चेक डैम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में 40% लोगों के पास पीने के पानी की समस्या होगी। इसीलिए मैंने बहता सोना की इसे संज्ञा दी है। अगर हमने ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना है, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग रखना है, इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो अभी बहुत कॉस्टली है, उस दिशा में हमें बढ़ना है तो अभी जल की जरूरत है। IPH बहुत महत्वपूर्ण महकमा होने जा रहा है, क्योंकि हमें ग्रीन हाइड्रोजन में हिंदुस्तान का लीडिंग स्टेट बनना है। हम बहुत तेजी से इसमें काम कर रहे हैं। जिस आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे पर कर्जे पर कर्जा चढ़ता जा रहा है, हमें भी अपनी सरकार चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। प्रत्येक हिमाचली 92,833 रुपए के कर्जे के नीचे दबा पड़ा है। अगर हम ये सोचे कि हम कर्जा लेकर ही करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर हम ये सोचे कि हम कर्जे का सदुपयोग करके
अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए और हिमाचल की 75 लाख की जो जनता है उसकी सेवा और भविष्य के लोगों के लिए आगे ले जाए तो हमें फैसले करने पड़ेंगे। हम फैसलों से पीछे नहीं हट रहे। हमने फैसला किया कि 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर हम वाटर सेस लगाएंगे। आज वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन उसका लाया। पंजाब को तो उससे कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं, लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की बात करना गलत है। हमारे जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं, हम चाहते हैं कि उन हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, जितना आपका धन लगा, आपने अपना सारा कर्जा वापस कर लिया और उसके बाद भी आप हमको 20% बिजली फ्री में दे रहे हैं और जो आप लाभ कमा रहे हैं वो और प्रोजेक्टों में लगवा रहे हैं और हिमाचल के लोगों को 12% फ्री बिजली दे रहे हैं। हमने कहा कि हम जिन प्रोजेक्टों को फ्री हो चुके हैं, एक भी पैसा कर्जे का नहीं रहा है, उससे 30% हम अपना शेयर चाहते हैं, क्योंकि ये जो मिनरल हमारा निकल रहा है ये आपको तो लाभ दे रहा है लेकिन हिमाचल की जनता को वो लाभ नहीं दे पा रहा। हम इस दृष्टि से भी आगे बढ़े हैं। मैं केंद्रीय मंत्री से मिलकर इसमें बात कर चुका हूं। हम आगे की प्रक्रिया में जा रहे हैं। वाटर सेस से हमें आए हूं, एक और एक्ट लाया है जो ग्राउंड वाटर है, उस पर कितना सेस लगेगा, किस प्रकार की चर्चा करनी है, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, पर बदलाव जरूरी है। मैं देखता हूं 2003 से मैंने अपनी सिंचाई योजनाएं शुरू की थी, क्योंकि हमारे साथ ब्यास नदी लगती है, दो खड्डे लगती है, 20 साल बाद भी वो सिंचाई योजना किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने में सफल नहीं हो पाई। क्या कारण है? या तो इच्छा शक्ति की कमी है या एक ऐसी सोच ही विकसित नहीं हो सकी कि जो नदी के किनारे लगते हुए हमारे शहर है, नदी के किनारे लगते हुए हमारे गांव है, उसमें खेतों में पानी क्यों ना पहुंचे। और अशोर्ड इरिगेशन की स्कीम्स के तहत हम जाना चाहते हैं। हमने उसमें खुद पाया कि किसान को अगर 4 किलोमीटर दूर पानी छोड़ने के लिए बोलने के लिए जाना पड़ेगा और 4 किलोमीटर गर्मी के समय उसको आना पड़ेगा तो वो खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा। और पहले ही अशोर्ड इरिगेशन की स्कीम मैंने नदौन में लगाई, नबार्ड से पैसा करवाया ताकि गांव का अपना टैंक हो, जब उसका दिल करे उसके खेत तक पानी पहुंचे और जब उसका दिल करे वो खेत का पानी बंद कर सके। इसलिए जितना भी प्रोजेक्ट हो, इरिगेशन की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब किसान को अपने घर के दरवाजे तक पानी का स्रोत ना मिले। हमने इस दृष्टि से भी कार्य किया। आज हिमाचल प्रदेश में 75 लाख लोगों के लिए हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अपने लोगों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, बाहर के लोगों को भी हम पानी दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं चाहूंगा, विभाग के अधिकारियों से भी हम चाहेंगे कि जो चेक डैम बनाने हैं, अब समय आ चुका कि हम अपने पानी के डैम बनाएं, जहां खड्डे हैं वहां चैनलाइजेशन करके हम डैम बनाकर आगे बढ़े, जिस पर मेरी और मुख्यमंत्री महोदय की चर्चा होगी, और पानी के बड़े बड़े रिजर्वायर बने ताकि हमें उसका फायदा है। आने वाले समय में 10 सालों में ये पानी बहुत महंगा होने जा रहा है। अब पानी ग्लोबल, हम ग्लोबल वार्मिंग की को भी समझना पड़ेगा। आज 22 मार्च और सबसे ठंडा दिन है। इस समय गर्मी हुआ करती थी, फरवरी में 23 पिछले एक महीने की आप बात देखिए तो गर्मी थी। उस समय ग्लेशियर जो है कम होते जा रहे हैं, पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से भी मिले इस बारे में, कहा कि लाहौल स्पीति में डॉप्लर लगाया जाए
एक्चुअल बेस्ड डाटा को कलेक्ट किया जाए, मेरा ख्याल है कि उस प्रोजेक्ट को हमारे को जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। मौसम की सटीक जानकारी हो, बादल फटने की घटनाएं होती है, एकदम पानी आ जाता है, वेपोरेशन ही बनती है ना, जो हमारे बड़े बड़े डैम बने हैं उससे वेपोरेशन बनती है, लेकिन हमारे अधिकार कम कर दिए गए। 75 साल के बाद हमें पूरे राज्य में एक जुट से अपनी मांगों की आवाज उठानी है, और 10 साल में अगर हम सफल हो गए, 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे मजबूत आर्थिक समृद्धि वाला प्रदेश होगा। यह कोरी कल्पना नहीं है, इनके लिए दिशा तय कर दी गई है। इसीलिए हमने बजट में पहले कहा है कि हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, हमारा वातावरण, हमारी स्वच्छ जलवायु, इसको भी हमको बचाकर रखना है। बड़े बड़े उद्योग लगाने से ही नहीं परिवर्तन आता है, नई सोच, वेद पुराण पढ़ लीजिए, नई सोच और नई दिशा और कानूनों में बदलाव लाने से भी परिवर्तन आता है, हम उन कानूनों को भी बदल रहे हैं। ये एक ही विभाग की बात नहीं है, पहले आपके विभाग में टेंडर होते थे 90 दिन लग जाते थे, बांटना भी काम आप ही ने है। हमने उस प्रक्रिया को समझा और 20 दिन के भीतर आज टेंडर अवार्ड हो रहे हैं। एक्शन की पावर को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि काम करवाने वाली एजेंसी के ऊपर आप बंधन नहीं बांध सकते। एक तरफ तो आपको स्पीड करनी है काम की, आप 2 पैसे ज्यादा दे दीजिए उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो डिले करप्शन है उसने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खोखला करके रख दिया। देरी से काम होने की जो प्रथा है इसको बदलना पड़ेगा, हम काम का समय तय करना पड़ेगा, आपको काम की बेसलाइन बनानी पड़ेगी, आपको वर्क प्लान बनाना पड़ेगा। आप जितना जल्दी वर्क प्लान बनाओगे और जितना जल्दी काम करोगे उतना जल्दी हमको फायदा होगा। एक योजना 4-4 साल 5-5 साल चली रहती है, हर साल का 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन देख लीजिए, तो उससे अच्छा तो 2 पैसे ज्यादा देके फटाफट काम करवाइए। ये आप ही के विभाग की बात नहीं है, बिजली बोर्ड में हमें एक यूनिट बनाने के लिए, मूल की एक यूनिट बनाने के लिए 23 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट चले 10 साल तक, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम इन सब व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को उससे पीड़ा नहीं होने देने की हम कोशिश करते हैं। आपको हमारे फैसलों में हमारा साथ देना होगा, तभी इस सुंदर हिमाचल के भविष्य की कल्पना की जा सकती है। तभी यह हिमाचल प्रदेश 10 साल यानी कि 2022 से 2032 में हम सबसे अमीर प्रदेश के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें ऐसी कार्य प्रणाली को अपनाना होगा जिसमें काम रुके ना, काम चलता रहे। जहां काम रुकने की हिमाचल में कुछ ऐसी नई व्यवस्था है, इसको और गति देनी होगी। और जल ही, आज विश्व जल दिवस है, मैं पहली बार आपको संबोधित कर रहा हूं, आपने मेरी बात याद रखी, ये जल ही हिमाचल प्रदेश की असली प्राकृतिक ताकत है। ये ताकत है, इसको हमने सिर्फ नलके का पानी नहीं सोचना है कि ये पीने के काम आएगा, यही हमारा ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसकी स्टडी चल रही है और 1 महीने के अंदर हम एक ऐसी वर्ल्ड की कंपनी के साथ समझौता करने जा रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है कि हम जब हाइड्रोजन बनाएंगे तो हिंदुस्तान में उस हाइड्रोजन के द्वारा जो हम पैदा करेंगे हमें अधिक आय होगी। हम उस नीति से इस बजट में परिवर्तन लाएंगे। कार्यप्रणाली हमारी मुख्यमंत्री जी ने विभाग में बहुत ज्यादा काम किया, अभी कल पिछले कल ही सीवरेज में 900 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन सेंक्शन करवाया, और अभी भी कई नीतियां हमारी विस्तृत चर्चा चल रही है। चर्चा संवाद के बाद ही कोई अच्छे फैसले होते हैं,
100 दिन में हमारी सरकार ने सभी विभागों में परिवर्तन करने की कोशिश की है। आपको मैं एक और बात बताऊं, हमारे 4 लेन बनना है शिमला मटौर पठानकोट से जोगिंदर नगर और कीरतपुर मनाली और सोलन परमाणु। ऐसी प्रथा के 1800 करोड़ रुपया डीसी साहब अपने पास रख के बैठे हैं, उसकी एफडी में बैंक वाले आ जाते हैं, इंटरेस्ट खा रहे और पैसा लोगों की इकोनॉमी में डालने दे। एक महीने के भीतर नितिन गडकरी जी ने भी इसमें सबको बहुत अप्रिशिएट किया, हमने 900 करोड़ रुपया हिमाचल की अर्थव्यवस्था में डाला। जिन लोगों को अवार्ड मिलने थे हमने कहा एक महीने के अंदर डाला। 27 तारीख को मैंने दोबारा उनकी मीटिंग रखी है शाम को, हम तकरीबन 1500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में डालेंगे। वो खर्चा होगा कहीं ना कहीं, जिसके घर में दरवाजे में जाएगा खर्चा होगा, जीएसटी के रूप में हमें भी पैसा मिलेगा। हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना चाहते हैं, हम बहुत अधिक खर्चा करना चाहते हैं सर, चाहे आईपीएच है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे कोई भी विभाग है, बहुत अधिक खर्चा करना चाहते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी ऊपर उठे। जो प्रदेश 75,000 करोड़ रुपए का आज तक का कर्जा है, अभी मैं भी लेने जाऊंगा। सच्चाई है 10,000 करोड़ के करीब 6th Pay Commission का कर्मचारी और अधिकारियों का एरियर देना है, जिसमें 4,500 करोड़ तो कर्मचारी जो अभी कार्यरत है और अधिकारी कार्यरत है उनका एरियर है, और 5,500 करोड़ जो रिटायर हो चुके हैं उनका एरियर है 6th Pay Commission का। 990 करोड़ रुपया डीए की किस्त डिक्लेयर कर दी और हमको देना है, हमने देना है, लेकिन पहले थोड़ी व्यवस्था सुचारू हो जाए। हम लोग राजनीति में आए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम बांटते जाएं। बांटने को मैं भी बांट सकता हूं, मैं भी कर्जा लेके और बांट दूं, ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन भविष्य की जो युवा पीढ़ी है, भविष्य की जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो हिमाचल प्रदेश में को कर्ज कर्ज के बोझ के तले हम उनको दबा कर चले जाएंगे तो नए हिमाचल और भविष्य के हिमाचल का निर्माण नहीं हो सकता। हम आपको एक बार फिर जल जो हमारा बहता हुआ सोना है, आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन भी देना चाहते हैं, आप कार्य कीजिए, हम आपके साथ हैं, कार्य में गति लाइए, और जितनी तेज गति से आप कार्य करेंगे उसी विभाग को उतनी तेज गति से आने वाले समय में पैसा मिलेगा, उसी डिवीजन को मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे थे कि LOC जारी कर दूं, मैं बोला चिंता ना करो, अगले महीने से आप इतनी स्पीड पकड़ो कि आपकी LOC भी क्या सारी चीजें जारी कर दी और हम LOC भी जारी कर दे, लेकिन स्पीड आपकी होगी, काम देखना हमारा होगा, उसकी भी हम योजना लेके आ रहे हैं, वर्क प्लान की योजना लेके आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज विश्व जल दिवस पर एक बार मैं फिर सभी अधिकारी वर्ग आए हैं, SN आए हैं, पंचायत मंडलों के सभी सदस्य आए हैं, मैं उप मुख्यमंत्री महोदय को कि शुभ अवसर पर आपने मुझे आने का मौका दिया, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, विभाग का धन्यवाद करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप सबसे बड़े धनी, जल का नाम सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी धनी जो विभाग है उसके उप मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि आने वाले समय में धन इन्हीं से निकलेगा, वाटर सेस हो गया, ग्रीन हो गया और जो चीज होगी इसी से निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।